असलम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम एक रियल लाइफ केस स्टडी के जरिए से एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अगरचे इस कोर्स में थ्रू आउट आप कई केस स्टडीज़ जो हैं वो सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं या आपकी नज़र से गुजरी होंगी जो कि एंटरप्रेन्योर सपोर्ट मॉडल यूज़ करती हैं लेकिन हमने कभी एक्सप्लिसिटली अभी तक मॉडल्स के हवाले से उनकी बात नहीं की थी ये केस स्टडी जो है वो लैटिन अमेरिका में एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन की है प्रो मजार एक लैटिन अमेरिकन विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बुनियाद 1990 में न्यूयॉर्क में रखी गई यह लैटिन अमेरिका के कंट्रीज अर्जेंटीना बोलीविया मैक्सिको पेरो इन मुल्कों में काम करती है इसका मिशन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू इम्प्रूविंग देअर फाइनेंशियल इकनॉमिक एंड सोशल स्टेटस है प्रोमोचर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक की तरह काम करता है ये औरतों को स्मॉल स्केल वर्किंग लोन्स देता है मिनिमम अमाउंट जो है वह पचास यू एस डॉलर के करीब हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोन साइज जो है वह तकरीब तीन सौ यू एस डॉलर होता है औरतें इस लोन को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करती हैं वो कोई प्रोडक्ट बनाती हैं फॉर एग्जांपल वो कोई रिटेल का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं या अगर उनके पास कोई स्किल है तो वो उसे कोई हैंडीक्राफ्ट या कोई और चीज़ बना के उसको लोकल मार्केट में सेल करती हैं और लोकल मार्केट में सेल करके जो उनको इनकम आती है जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे वो प्रो मचोर की जो लोन की पेमेंट है वो वापस करती हैं और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो उनकी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के काम आता है प्रो बैंक की तरह काम करता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट कितना होगा ये तय किया जाता है मुख्तलिफ फैक्टर्स को काउंट करके जिसमें क्या प्रोडक्ट जो है वो औरतें बनाना चाहती हैं उसके हवाले से उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में किस किस्म के कवानीन अगर कोई हैं इन्वॉल्व हैं मसलन अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन पर कोई सख्त किस्म के कवानी हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट हाई होगा क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है इसी तरह बास प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कंपेटिटर जो हैं मार्केट में बहुत सारे होते हैं उनको सेल करना मुश्किल होता है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है प्राइस नीचे रखना पड़ती है इसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो तय होता है इंटरेस्ट को एक लंबे पीरियड के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि खातन बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है वो वापस कर सकें साथ वो अपना जो असल है उसको भी वापस कर सकें और उसके साथ उनकी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो कुछ स्पेंडिंग कर सकें ये फाइनेंशियल मॉडल जो है आपको काफी फेमिलियर साउंड कर रहा होगा ग्रामीण बैंक के हवाले से तकरीबन वही माइक्रो फाइनेंसिंग का ये मॉडल है अभी तक प्रो की जो इम्पेक्ट स्टडीज हुई हैं उनसे ये बात सामने आई है कि प्रो से जो औरतें कर्ज़ा लेती हैं वो तकरीबन दो साल के अंदर मुनाफा कमाने लगती हैं और सेल्फ़ सफिशिएंट उनके कारोबार जो हैं वो हो जाते हैं इसी तरह प्रोमाचोर के जो चार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं उनमें से तीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल्फ़ सफिशिएंट हैं वो अपना रेवेन्यू ना सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट के साथ वापस ले रहे हैं बल्कि उनको जो साथ सरप्लस हासिल होता है उससे वो अपनी जो औरतें जिनको वो लर्निंग करते हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ के लिए हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज जो हैं उसकी फ्रामी पर काम करते हैं बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन जो है वो टू सपोर्ट देयर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल जो औरत क्लाइंट है एक गरीब औरत अगर वो बीमार पड़ जाए और टाइम पर काम ना कर सके और अपना लोन वापस ना कर सके तो उसका नुकसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को होगा इसलिए उनको हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो फ्राहम की जाती हैं इसी तरह एजुकेशन सर्विसेज, अमूमन टेक्निकल होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इस तरह की स्किल्स जो बिज़नेस को रन करने में काम आती हैं प्रोमेचोर अपनी जो लेंडर औरतें हैं उनको वो सब आ, ट्रेनिंग्स फ्राहम करती है ताकि वो अपना बिजनेस बेहतर तौर पर रन कर सकें प्रो मशोर के स्टडी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक सोशल एंटरप्राइज जिसका मिशन ही उसका बिजनेस है यानि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो स्मॉल स्केल पे लैंडर्स को ख़ास तौर पर पुअर ख़वान जो हैं उनको सर्विसेस फाइनेंशियल सर्विसेज फ्राहम कर रहा है साथ बिजनेस मैनेजमेंट की सर्विसेज खवतानी अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके नतीजे में जो एम्पावरमेंट उन्हें हासिल होती है वो अचीव कर रही हैं थैंक यू